अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाँ सरदार कमाल, तो तुम देख रहे हो सरदार कमाल ऑफिशियल चैनल। अज के जोड़े साढ़े फनकार ने उन्हों का ना कुछ इस तरह दे कि मैं उन्हों का ना लवा तो लगता है कि जिम्मे दो मुल्क की जफ्फी पै गई, पाकिस्तान तो हिंदुस्तान की, जिमें चढ़ा पंजाब तो लहदा पंजाब एक दूजे अल बह खिलार के खलोता है कि आ सीने न लग जा, यानी कि ना उन्हों है नुसरत सरदूल सिंह। तो आओ अज थोड़ी मुलाकात करवाने लहदे पंजाब के उस कलाकार ना उस फनकार ना जिन्हों का ना है नुसरत सरदूल सिंह। सत श्रीकाल जी। सत श्रीकाल जी, मैं बहुत मशहूर हाँ अपना थोड़ा नुसरत सरदूल साहब के तुम अपने कीमती वक्त मैं कम वक्त दिता तो एडा सोहना तुम ना रखे नुसरत सरदूल सिंह। ये नुसरत हो गए जी साढ़े नुसरत फतेह अली खान साहब, सरदूल हो गए सरदूल सिकंदर साहब साढ़े अपना चढ़ते पंजाब के बहुत अच्छे उस्ताद कलाकार। तो ये तुम कुछ सोच के ना रखे या ये बरीकी की सर के अपना मेरे बालक साहब जड़े ने ना। अच्छा जी, बेशक जट जिमीदार सन मगर नुसरत फतेह अली खान साहब नूं बड़ा लाइक करते नहीं, उन्होंने तो पूरी कायनात लाइक कर दी जी। बिल्कुल, उन्होंने वजह नाल मेरा नाम नुसरत रख दिता। अच्छा जी, तो सरदूल सिकंदर साहब का मैं शागिर्द हो गया। जे साडे सरदूल सिकंदर साहब जिहड़े अपना चढ़दे पंजाब दे चढ़दे पंजाब उन्होंने तुसी शागिर्द हो जी, उन्होंने बकायदा गंडाबन शागिर्द हो। गंडाबन शागिर्द, ते तुसी शागिर्द उन्होंने दे किथे होए जी? मैं जनाब इत्थे लाहौर। अच्छा, जो लाहौर तशरीफ लिया तो फिर लाहौर आए सन उदो तुसी उन्होंने शागिर्द होए जी? मैं बड़ा जी, वो बड़े सुरीले सिंगर ने और खुद भी उन्होंने पूरा परिवार ही इतना सुरीला है कि बंदा दिल करता है कि बंदा उन्होंने को बैठ जाए तो उन्होंने सुनता रहे तो उन्होंने वेखता रहे जी। तो तुम हम पाकिस्तान से साढ़े साढ़े इधर लहदे पंजाब के हो जी, तुम माइग्रेट करके हिंदुस्तान तो या शुरू तो असं जद्दी इतों के पंजाब के हाँ इस पंजाब के लहदे पंजाब के असी। तो जो पार्टीशन हुई है, पार्टीशन हुई साढ़े जो बजुर्ग ने साढ़े व्डे वो गए नहीं इधर। अच्छा, नहीं गए? असं गए नहीं, साडा पिंड मनियाला अपना वाघे बार्डर के नाल। बिल्कुल, बार्डर के उत्ते पिंड है नाल वाघा लगता अमृतसर लगता थोड़े नाल। तो मैं अर्जे करनी चाह रहा कि जो बजुर्ग उधर नहीं गए क्या उन्होंने कोई खौफ खतरा नहीं सके यार साडे सारे जी उधर चले गए ने माइग्रेट करके चले गए ने असी इत्थे रह गए? मुस्लिम भाई ने जिहड़े सानू इंज मुहब्बत मिली है कि जिस तरह फर्क महसूस होया नहीं सरदार साहब, कभी अज तिकर नहीं फर्क महसूस होया कि सानू इन्ना कोई प्यार मिलया इनिया मुहब्बत मिलिया कि मेरी मुस्लिम कम्यूनिटी जी मैं उन्होंने धन्यवाद देना उन्होंने कि जनाब उन्होंने मुहब्बत उन्हों का प्यार असी अज तिकर वही कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल जिंदाबाद। ये थोड़ा मुहब्बत भरया पैगाम कायनात से जिथे जिथे साढ़े सिंह भैन भरा बैठे ने उन्हें तक पहुँच रहा है तो वो उन्हों का दिल एक गल सुन के बिल्कुल यकीनन वड्डा हो जाएगा कि पाकिस्तान च रहने वाले किसी भी सिंह भरा कोई मसला नहीं। पाकिस्तान दे विच सिंह नहीं, हर मजहब नूं तहफ्फुज़ तो मिलता है। ये तो थोड़े मुहब्बत का पैगाम पहुँच गया। तो उस्ताद तुहाडे एडे सोहणे सरदूल सिकंदर साहब जी जी, तो तुहानूं तो मैं माफ़ी बड़ी मैं तुहानूं एडा सुन नहीं सकिया, सुनिया तो मैं तुहानूं है वे लेकिन इतना मैं गौर नाल और हुण मैं गौर नाल सुनिया करांगा कि तुसीं सरदूल सिकंदर साहब दे शागिर्द हो जी जी। तो उस्ताद होरां दा वी कोई कलाम याद कीता जां कोई अपनियां तरज़ां बणाईआं ने अपने गीत बणाए ने? अपने उस्ताद साहब दा मैं पहला गीत गाया जिहड़ा पाकिस्तान दे विच सुपर डुपर हिट होया, टीपी गोल्ड कंपनी ने रिलीज़ की था। उन्हां दा गाया होया गाया या उन्हां दा गाया होया गाया इत्थे गाया जी। ते उस तो बाद तुसी उस तो बाद मैं और अपने मेरे 28 एल्बम ने टीपी गोल्ड अपना हीरा और सोन कंपनी तो मेरे 28 एल्बम ने ते मैं चाहना कि असी प्रोग्राम का आगाज़ किया तो पहले तुसी ट्रिब्यूट जिहड़ा है अपने उस्ताद होरां सरदूल सिकंदर साहब नूं दिओ ते कोई उन्हां दे याद लई उन्हां दे ट्रिब्यूट लई कोई पहला गीत ऐसा सुनाओ जिहड़ा उस्ताद होर वी सुन के ते खुश हो जाए। रब न करे नी मैं
कल्ला किते हो जावा पहली बारी दुनिया च, पहली बारी दुनिया च हो एडा कहरनी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी, मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी है। अज तक मंगेया नी कुछ भी मैं रब तो एक सा जरूर मंगू तेरे लिए अलग तो जांदी बारी बस तेरे जांदी बारी बस तेरे चुमने न पैर नी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी
गली मनी जूरी ना कदी नवी जान पर कोई साथ दूरी ना गली मनी दूरी ना कदी नवी जान पर कोई साथ दूरी ना लगू सरी दूल लगू सर दूल उजाड़ खन्ना शहर नी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी हो जावा रब न करे नी मैं कल्ला किते हो जावा पहली बारी दुनिया च पहली बारी दुनिया च हो एडा कहरनी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी मौत भी नहीं आनी मैनू तेरे तो बगैर नी जिंदाबाद जी चढ़दी कला च रवो भी जिहदे पिछे उस्ताद नुसरत फतेह अली खान की दुआ और उस्ताद सरदूल सिकंदर की आशीर्वाद होवे उहनूं इहो जिहा होना चाहिए सी। नुसरत सरदूल साहब ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆਏ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਚੁੱਕਾ 2003 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਆਏ ਨੇ 2006-7-8 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮਿਲਿਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੜੀ 'ਤੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੇਬੇ ਵੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਭਾਜੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਕਦਮੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ 'ਚ ਲਿਆ ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਸਰਦੂਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਠੀਕ ਆ ਅੱਛਾ ਬਹਰਹਾਲ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਕਿਉਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਸਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਿਆਜ਼ਮ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੀ ਖੁਆਇਸ਼ ਹੈ ਮਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਮਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਜੀ ਗੰਡਾ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ ਲਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਹ 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 ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ ਇਹ ਚੰਗੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਇਹੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਰਨਾ ਉਸਤਾਦ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ 300 ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਗਿਰਦ 8 ਵਾਰੀ ਚਾਹ ਲੈਣ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਰੁਕਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਖੁਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਢੰਗਸਾਲੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਗਾਉਂਦੇ ਗਾਉਂਦੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘੁੱਟਣਾ ਮੈਂ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਘੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਸਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਢਿੰਡਿਆ ਬਾਅਦ ਉੱਠੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵਾਹ ਲੱਗਾ ਵਾਹ ਵਾਹ 3 ਘੰਟੇ ਘੁੱਟਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਵਾਹ 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 ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹੀ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਨੁਸਰਤ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਾ ਅਦਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਬਾ ਅਦਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਮਤਲਬ ਅਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਕਿਤੇ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁਣਨ ਦਾ ਜਾਂ ਸੁਣਾਉਣ ਦਾ ਖੁਆਇਸ਼ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਿਆ ਮੈਡਮ ਨੂਰ ਜਹਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਔਰ ਸੁਲਤਾਨ ਰਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੁਨਵਰ ਜ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 4-5 ਫਨਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਮੇਰੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾਤ ਬੁਲੰਦ ਕਰੇ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਨੁਸਰਤ ਸਰਦੂਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬੇਅਦਬ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨਹੀਂ ਨਵਾਜ਼ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਬਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸੋਹਣੇ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਾਉਂਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਗਏ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮੇਲਿਆਂ ਠੇਲਿਆਂ 'ਤੇ ਗਏ ਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਕਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਜੀ ਜਦੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵੱਜੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਘੁੱਟ ਪੀ ਸੀ ਫਿਰ ਨਾਲੇ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਜੀ ਉਦੋਂ 'ਚ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਪਿਆ ਅੱਛਾ ਅੱਖਾਂ ਚਾਰ ਸਰ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਅੱਛਾ ਮਗਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਉਹਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ
ਓਏ ਹੋਏ 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 ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਬੇਵਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਭੰਗੜੇ ਵੀ ਪਾਏ ਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 18 19 ਸਾਲ ਦਾ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਣਾ ਮੇਰਾ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਵੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਲੱਕੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇਰਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਵੱਟ ਪਾਉਣਾ ਹਾੜਾ ਹਾੜਾ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾ ਮਾਰਵੇ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਾਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਹਿਲੇ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੀ ਜੀ ਸਰਕਸਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਉੱਥੇ ਥੀਏਟਰ ਲੱਗਣੇ ਬੜੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਵੈਸੇ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇ ਖਰਾਬ ਸੰਤੀ ਨਿਮੈਸ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਅਕਰਮ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਭੀੜੀ ਪਾਕਰਮਾਨ ਹਾਜੀ ਸ਼ੇਰ ਦੀਵਾਨ ਉੱਗੋ ਕੀ ਮੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੇਲੇ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਨੌਸ਼ੋ ਪਾਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੇਲਾ ਮਗਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਫਿਰ ਰੌਣਕਾਂ ਲਾ ਦੇਗਾ ਬਸ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਦੇ ਅੱਛੇ ਹੋ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਵੇ ਸਕੂਨ ਆਵੇ ਅਮਨ ਆਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ ਲੱਗਣਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਲੇ ਠੇਲੇ 'ਤੇ ਪੂੰਜੀ ਭੰਗੜੇ ਪਾਓਗੇ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਅਤੇ ਭੰਗੜੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਭੰਗੜਾ ਬਣਾਇਆ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਭੰਗੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਛੇੜ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜ਼ਰਾ ਭੰਗੜਾ ਛੱਡ ਦਿਓ ਜੀ ਜਾ ਜੀ
वाह जी वाह, वाह जी वाह, नुसरत सरदूल साहब बहुत अच्छे। अच्छा जी नुसरत साहब, अपना तुसी अपने काम के हवाले ना, अपने फन के हवाले ना, दुनिया से कितने कितने गए, किहड़े किहड़े मुल्क वेखे? सर मैं यूरोप सारा फिरिया। अच्छा जी। मेरे नाल हमारा चन्ना जी, हाँ, अजरा जहां। अच्छा जी। हिना शाहीन। अच्छा जी। सबिंदा जी। वाह वाह वाह, बड़ा सोहना ग्रुप सी, बड़ा सोहना टूर लगा, बड़ी मोहब्बत की थी यूरोप च रहने, बहुत ज्यादा बड़ा प्यार कर देने वो सरदारा ने, तो उधर चक फटे देते फिर वो बड़े बड़ी मोहब्बत सरदार प्यार, मैं कहना जी बहुत प्यार कर देने सी, कनाडा जाइदा ते इस वेले भी शायद किते नार्वे सतवांगर मलकीत सिंह साहब अगर देखदे होण किधरे। अच्छा जी। घरे लै गए अपने, कहते सरदार जी थोड़ी दावत करनी है, चलो वीर जी चलते हैं। आपां बैठे हैं जाके। अच्छा जी। उन्हां करो खाना खाधा, खाना खा के मैं उठन लगा, मैं तो उन्होंने इंज करके अपनी बीवी वाले वेख्या, साड़ी बेबे आए, उन्हें इंज करके ना साढ़े चार तोले की चेन सी उन्होंने गल च। अच्छा जी। ला के मेरे गल च पाई। वाह वाह वाह। एक छला मैंने दिता पापो वास्ते है। वाह। एक लेडीज राडो कड़ी मैंने दिती, एक सूट जरा तकरीबन पाकिस्तान 30,000 पैदा होगा वो दिता, रेडीमेड कपड़िया के ढेर ही लाते उन्हें मेरे बच्चों वास्ते, बैग दो भर के मैंने लो। मेरी बेबे कह दी अच्छा वीर जी आप थोड़ा इन्ना कर सकते हैं गल कि चीज़ों की कीमत है वे, मैं समझना कि चीज़ा हर शह दुनिया से मिल जाती, चीज़ें मिल जाए, मोहब्बत ये जो प्यार जी मोहब्बत है ना, ये कभी भी तुम किसी नहीं मिल सकती जी उतों मिली है। मोहब्बत तो गल मैं कर रहा कि असं भी जो जाइए आस्ट्रेलिया या कैनेडा ड्रामा कर जाइए, जो कैनेडा जाइए ड्रामा कर, तो मैंने वेख के इतनी खुशी होंगी है कि जितनी साड़ी पाकिस्तानी कम्यूनिटी तो है ही है जी जी, उन्होंने तो चलो साडा ड्रामा वेख आना ही आना, ठीक है जी। उस तो अलावा उस तो ज्यादा जी कम्यूनिटी सिंह कम्यूनिटी, वो साढ़े सिंह भैन भरा ने जो आए होंगे, तो मैंने खुशी होती जो एन करके पढ़ता हड़दा है, तो कोई 100 साल के बुजुर्ग ने चिट्टिया दाड़ियाँ ओह जी नाल अम्मा जी ओह जे बुजुर्ग बापू जी बैठे ने, तो इतनी उन्होंने रूह खुश होती है, सू फिर मिलते हैं तो सू कहें कि साल पिछों आ जाया करो, तुम आते हो तो साडा मन खुश हो जाता है। मैं हूँ भी सरदार साहब मैं चाहना ना पिंडा थावान शो कर, तो बजुर्ग जड़े मैं लैके पै जाते यार सरदार तेरे बजुर्गों साढ़े बड़िया ना बड़ा तलक रहा, साड़िया वाहियां कट्ठिया रही, इसी पगां वटाइया यार, साढ़े बड़ा प्यार सी यार। तुम सही कह रहे हो। अच्छा जी अपने परिवार च किन्ने बच्चे ने? परिवार च मेरे जनाब मेरे बड़े भाई फौत हो गए सन, भरजाई नाल मेरी शादी कर दी, कोई नहीं मैं सवाब का काम है, तो वे भाई के बच्चे सन उदो चार। अच्छा जी। ठीक है। एक बच्चा फौत हो गया भाई का। अच्छा जी। तो तीन बच्चे भाई देने, चार मेरे चो हो, मेरे चो भी एक बेटी जी है 21 साल की उम्र तकरीबन 6 महीने हो गए फौत हो गई। ओहो हो। दूसरी मेरी उन्हें शुगर से मेरी बेटी ने, दूसरी मेरी बेटी उन्हें भी शुगर है। अल्लाह पाक सेहत दे तंदुरुस्ती दे उन्होंने, अल्लाह तुहानू सलामत रखे, तुहाडे परिवार ने भी सलामत रखे, तो मैं चाह रहा कि साडे प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया, हुण तुसी अपने चाहण वालियां नू जाण तो पहले की सुनाना चाहते हो वह सुना दिओ। मेरे दिल ने जिसनु रब मन्या, दिल ने जिसनु रब मन्या, निकले शैतान कुड़ी भोली सूरत वाली, दिल दी बेईमान कुड़ी भोली सूरत वाली, दिल दी बेईमान कुड़ी। Yeah।
ਜੀ ਬੋਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਓ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੁੜੀ ਬੋਲੀ ਸੂਰਤ ਵਾਲੀ ਓ ਦਿਲ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨ ਕੁੜੀ सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान कुड़ी ओली सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान कुड़ी सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान
सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान कुड़ी, ओली सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान कुड़ी, ओली सूरत वाली ओ दिल दी बेईमान कुड़ी। वाह जी वाह, नुसरत सरदूल साहब बहुत अच्छे। एंड अगो ईद आ रही है तो कुछ भैन भरा साढ़े प्रदेश ने उन्होंने कोई तोहफा दे रहे असी इतने। जी जनाब। वो की है जी? नवा गीत मेरा जनाब असगर जट साहब का लिखा है। अच्छा जी, शायर दे असगर जट साहब ने। असगर जट साहब शायर ने। अच्छा जी, ते जनाबे अली असगर जट फैसलाबाद शाहकोट वाले। हाँ जी हाँ जी। अच्छा वाह, सुनाओ जी। जनाब तकरीबन दो दिन पहले रिलीज हो चुका ते उन्होंने वास्ते मैं बाहां दी हुलारियां दे नाले अपने प्यारियां दे। वाह। बाहां दी हुलारियां दे नाले अपने प्यारियां दे यारा दिया टोलियां दे बड़े चेते आंदे ने लोकी रात नू सो जांदे परदेसी रोंदे ने लोकी रात नू सो जांदे परदेसी रोंदे ने उस बुढ़ी माई दे नाले पैन ते पाई दे उस बुढ़ी माई दे नाले पैन ते पाई दे लोको बुढ़े बापू दे बड़े लाड सतों दे ने लोकी रात नू सो जांदे परदेसी रोंदे ने ओ दिन रात कमाइयां करदे ओ दुखां दे नाल लड़दे दिन रात कमाइयां करदे ओ दुखां दे नाल लड़दे तसलियां फोन ते देंदे ने बड़े अथरू चोंदे ने लोकी रात नू सो जांदे परदेसी रोंदे ने लोकी रात नू सो जांदे परदेसी रोंदे ने। परदेश रहने वाले ने अल्लाह हाफिज फरमाए जिथे भी अल्लाह तुहानू खुश और आबाद रखे। नुसरत सरदूल लई और अपने सरदार कमाल लई दुआ करते रहना, असं तुहानू दुआ करते रहेंगे। अल्लाह तुहानू अपने हिफ्ज़ मान च रखे। हुण साडे प्रोग्राम का वेला मुकदा पिया। नुसरत सरदूल ते सरदार कमाल नू इजाजत दिओ। अल्लाह हाफिज़।